माई डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम वीडियो देख रहा हो वो उस टाइम का अभिवादन स्वीकार करे। आप सभी का डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस वीडियो में 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहे हैं, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अपने इस चैनल को यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन जितने आपको वीडियो 1 और 2 में दे चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए। खून का रंग लाल है, किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड रेड कलर का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कौन सा तत्व पाया जाता है, या क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी कौन सी धातु है या हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो लोहा मीन्स आयरन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। खून का थक्का नहीं जमता है, तो किस में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया नामक जब रोग हो जाता है तो उस रोग में खून थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 20। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो शरीर के अंदर जो रक्त जमने से रोकता है वो हीपेरिन नामक प्रोटीन, क्या? हीपेरिन नामक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो रक्त का जो थक्का जमने में सहायक होता है वो प्लेटलेट्स, किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 22। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन शब्द आ जाए तो ऑप्शन आपका विटामिन के सही होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्लेटलेट की मृत्यु कहाँ होती है, यानी जो ये प्लेटलेट्स होता है इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, डेड कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर है प्लीहा, यानी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 24। रुधिर का तरल भाग होता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। आंसर कौन सा सही होगा? प्लाज्मा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। रुधिर को कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, रुधिर का कितने प्रतिशत भाग, यानी जो रुधिर यानी ब्लड में कितने प्रतिशत भाग जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 60%। क्वेश्चन नंबर 26। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक शरीर के अंदर प्लीहा यानी स्प्लीन को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल का कब्रगाह यानी शमशान या शमशान घाट या कहां पर वो डेड होती है किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसका ऑप्शन प्लीहा यानी स्प्लीन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है, जो ब्लड बैंक है उसमें जो ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है 40 फारेनहाइट या 4.4 सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 29। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की जो खोज किया था वो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, ध्यान रखिए मेरे प्रिय मित्रों, लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 30। रक्त समूह होता है, तो रक्त समूह जो होता है वो 4 होते हैं, ए बी और ओ होते हैं, ये 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो ओ होता है, कौन सा? ओ, सर्वदाता रक्त समूह ओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सर्वग्राही रक्त समूह है, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओ और ए बी में कंफ्यूज ना होइएगा,
ओ जो है वो सर्वदाता सर्वग्राही, ए बी है क्वेश्चन नंबर 33, आरबीसी रेड ब्लड सेल औसत आयु कितनी होती है, यानी इनकी लगभग आयु कितनी होती है, तो ये 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 34, WBC की औसत आयु कितने दिन की होती है, तो इसकी औसत आयु जो होती है वो 1 से 4 दिन की होती है। कितनी होती है 34 क्वेश्चन नंबर WBC की? 1 से 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 35, RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और मेरे प्रिय विद्यार्थी आपने अंत तक वीडियो देखा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। DP सर का शुभ आशीर्वाद आप समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। यदि आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना उत्साह बढ़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो और ही अच्छी आपको मिलेगी। अंत में इतना कहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।